यही अब हमारा खाना, मैं समोसा 4-5 दिन तक हमें यही खाना पड़ेगा, जब तक पैकिंग नहीं हो जाती मेरी और मतलब अच्छे से सामान पैक नहीं हो जाता तब। सो देखो फ्रेंड्स, चल रही है मेरी पैकिंग। आप कहते हो ना काम बिजी हो, काम बिजी हो, इधर बिजी हो भाई, कितने सारे सामान पैक कर रहे हैं अकेली लड़की ने। मैंने नहीं करे, कटारा सर ने भी करा है, वरना कटारा सर पीछे से लोग देखेंगे ना तो बोलेंगे हाँ मतलब सामान मैंने पैक करे और अकेले अकेला मतलब सब कुछ अपने नाम करवा लिया। तो भाई मैं इधर बिजी हूँ और आप लोगों को पता है कि मैंने न्यू हाउस लिया है, ठीक है। इसके बारे में मैं पहले ब्लॉग डाल चुकी हूँ, अगर नहीं देखा है आपने न्यू हाउस की पूजा ब्लॉग तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वाला देख लेना। और आज हम कर रहे हैं फाइनली शिफ्टिंग, मतलब आज हम यहाँ से जा रहे हैं अपने न्यू घर। तो सामान मेरा पूरा पैक हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरी रात भर जब के मैंने पैक किया है और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी भी मेरी पैकिंग चालू है। तो बस पहले हम पैक कर लेते हैं, देन हम अब आपको मिलेंगे न्यू हाउस में। अभी तो हमें बहुत सारे काम है यहाँ पर पैकिंग करनी है, साथ साथ भूख लग रही, तो अभी कुछ खाना भी, नाश्ता वास्ता करना है। 9:30 का टाइम हो गया है। तो बस ये कुछ सामान थे सारे, देख रहे हो आप इतने सारे सामान है मेरे पास, आधे सामान बाहर पड़े हैं, तो अभी गाड़ी वाड़ी आएगी उसमें जाएंगे सारे सामान। तो अब हम मिलेंगे डायरेक्ट न्यू हाउस में, ठीक है। तो ये इस हाउस की जो ब्लॉग है स्टार्टिंग इस पुराने हाउस से हो रही है, लेकिन जब इसका एंड होगा तो वो न्यू हाउस से होगा, ठीक है। तो चलिए हम कर लेते हैं बाकी का काम और इसके बाद मिलते हैं हम आपसे कुछ देर में, ठीक है, बाय। सो फ्रेंड्स, पैकिंग करते करते मेरी हो गई है हालत ख़राब, बहुत ज़्यादा थक चुकी है। अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है, 11 बजने को आए, अब भूख लग रही है लवी को। तो अभी कटारिया जी लेने गए कुछ ब्रेकफास्ट, कुछ तो खा लेंगे, है ना। बाकी तो फिर इतना खाने का मन भी नहीं करता है जब हम कुछ काम करते रहते हैं ना सुबह से, कल रात से लग रही हूँ। इवन मैं 2 दिन से सोई नहीं हूँ, 2 दिन हो गए मुझे पैकिंग करते, ठीक है। रात रात भर जग के मैंने पैकिंग करी है और ये जस्ट अभी ये पार्सल है ना, जस्ट मुझे अभी रिसीव हुआ है, जस्ट अभी आया है। और मेरे काफ़ी सारे पार्सल है जो भी इस घर में आने वाले हैं, अभी ये सोच रही हूँ कैसे लूँगी, क्योंकि इस घर में तो वैसे भी कोई रहता नहीं है हमारे अलावा। तो देखते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे पार्सल है जो ऑलरेडी पेंडिंग है अभी मेरे, जो भी आने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होगा, फ़िलहाल हो गया सारा काम, अब हम वेट कर रहे हैं कि जो वो सामान उठाने के लिए कुछ आए ना, जो हमने बुक किए हैं मतलब लड़के लोग, तो अभी वो आएँगे सामान वान उठाएँगे, गाड़ी में डालेंगे, देन हम पहुंच जाएंगे अपने न्यू हाउस। फिर उसके बाद भी तो सबसे बड़ा काम है इन सब सामानों को वापस खोलना जमाना। ओ माय गॉड, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। और जमाना दूसरी बात, कोई है नहीं काम पे हेल्प कराने वाला, सिर्फ मैं हूँ। कटारिया सर ऑफिस चले जाएंगे तो फिर सारा काम मुझे ही करना है, तो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली हूँ। आपके साथ लवी मेरी हेल्प करती है, तो लवी हम दोनों सारे सामान जमा लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का कहानी, क्या होने वाला है आगे की कहानी में आपको पता लग जाएगा कहाँ से कहाँ हम पहुँचने वाले हैं, ठीक है। तो बस अभी चलते हैं, व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। लाइक और सब्सक्राइब। अरे अभी नहीं, अभी व्लॉग की एंडिंग थोड़ी कर रहे हैं, अभी लंबा है व्लॉग, लंबा चलेगा, अभी घर भी पहुँचना है हमें, वहीं से एंडिंग होगी व्लॉग की, ठीक है। तो चलिए करते हैं आगे का कुछ काम, मिलते हैं थोड़ी देर बाद ब्रेक के बाद आपको। यही अब हमारा खाना, मैं समोसा 4-5 दिन तक हमें यही खाना पड़ेगा, जब तक पैकिंग नहीं हो जाती मेरी और मतलब अच्छे से सामान पैक नहीं हो जाता है तब तक यही नसीब होगा मुझे, ब्रेड पकौड़ा समोसा। पर मुझे बहुत पसंद है, मैं खुशी से खा लेती हूँ ये चीज़ें, है ना। वैसे हेल्दी अनहेल्दी है ये, लेकिन फिर भी मैं खा लेती हूँ। फिर भी मोटी नहीं होती, देखो मैं बहुत खाती हूँ फिर भी मैं मोटी नहीं होती। और ये छोले भटूरे समोसा और क्या बोलते हैं पता नहीं क्या क्या, दुनिया भर की सारी चीज़ें मैं खाती हूँ, सब खाती है। इसी वजह से मम्मी को बुखार होता है, इसी वजह से मेरे को बुखार होता है, देखो लगी नहीं बताया। और ये देखो पिज्जा बर्गर मोमो सब फिंगर चिप्स सब खा लीजिए, अच्छा लगता है ना यार, है ना। समोसा हो अच्छा चक्कर क्या रखा है जिंदगी में यार, खाओ पियो ऐश करो, क्या डाइटिंग करना क्या मतलब है। मेरे को कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, डाइटिंग वाइटिंग, मोटा होना होगा तो हो जाएंगे, नहीं होना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लोग इस डर से निकालते हैं मोटे हो जाएंगे, क्या हो गया मोटे हो जाओगे तो यार, मोटे इंसान इंसान नहीं होते। तो ये लोग हमारी तरफ से खाओ, आप भी खुशबू अच्छी आ रही है चटनी की, मेरी चटनी की तो इतनी खुशबू अच्छी है कि वो देते चाहिए घर। सो फ्रेंड्स, फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर पे और आते ही देखो लग गई काम पे, काफ़ी घर गंदा हो रखा था, बस इसी का झाड़ू मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, पोछा भी लगाना है अभी। तो बस बहुत सारा काम है यार मेरे को, बहुत ही ज़्यादा काम है अभी न्यू हाउस में, शिफ्टिंग का काम बहुत मुश्किल होता है, आप सब लोगों को पता है जो जो शिफ्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने सारा सामान एक रूम के अंदर भर दिया है क्योंकि अभी इनको जमाने का अनबॉक्स करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हिम्मत नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं, धीरे धीरे करके सारा सामान मैं जमा डालूंगी। फ्रेंड्स फाइनली पहुंच चुके हैं भाई हमारे नए घर में और हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब भाई, शिफ्टिंग का काम सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी रात के बज रहे हैं 9,
और अभी तक हमने खाना पीना कुछ नहीं खाया है। हम आज मतलब हम जल्दी आ गए थे यहाँ पर, 2 या 3 बजे के आसपास आ गए थे। देन उसके बाद हम सामान जमाने लगे। 7 बजे से आए थे हम। 7 बजे से नहीं यार, सुबह आए थे 3 बजे, दिन में 2 बजे। हाँ 2 बजे ही तो आए थे। तो 7 बजे क्यों बोला? 7 तो अभी बज चुके हैं, अब तो 9 बज गए रात के। रात के 9 होते तो 9। हाँ तो उसके बाद मैंने बहुत सारा काम किया, पूरा घर साफ किया। देन हमने सारे सामान इधर उधर शिफ्ट किए, मतलब अपने ठाम ठिकाने जमाए। और उसके बाद अब लग रही है बहुत तेज भूख, तो अभी जाने वाले हम खाना खाने। ठीक है, बाहर जाएंगे, थोड़े बहुत सामान है जो हमें खरीदने हैं घर के। यार नए घर में मतलब हर चीज चाहिए होती है, तो नए घर में हर चीज चाहिए होती है, तो बस उसको लेने हम जा रहे हैं। अभी खाना वाना खा के आए हैं। अभी कटारिया सर रेडी हो रहे हैं, थोड़े से थक गए बहुत ज्यादा, और सुबह से सच में इतनी हालत खराब है, अब तो बस लेटने का इतना मन कर रहा है कि भी उठने का भी नाम नहीं लेना। बस अभी खाना खा के और हम सोने वाले हैं बहुत लंबे, उसके बाद हम पता नहीं 2-4 दिन में उठेंगे। इसलिए भाई मैसेज करते रहना सब लोग, ठीक है, याद दिलाते रहना कि उठ जाओ फटाक से। तो बस लग रहे हैं, बाकी मेरी डेली की ब्लॉगिंग आपको इसी घर से देखने को मिलेगी, नए वाले से। तो बस चलते हैं अभी, फटाफट खाना वाना खा जाते हैं, और बाकी ब्लॉग की एंडिंग में यहीं से कर रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी ब्लॉग को। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।